नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमने देखा था चंद वंश को, तो उसी को आगे लेके आज चलते हैं। तो हमने इससे पहले चंद वंश को देख रहे थे, उसी को आगे लेके चलेंगे। चंद राज्य के क्षेत्र का जब विस्तार हो गया पूरी तरीके से 1512 से लेके 1530 ईस्वी के मध्य में, चंद राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी जो है वो चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित कर दी। ठीक है, जब इसका क्षेत्र जो है काफी विस्तृत हो गया, जब इसका विस्तार हो गया चंद वंश का, तो चंद वंश के जो राजा थे भीष्मचंद, उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो चंपावत से स्थानांतरित करके कहाँ कर ली थी, अल्मोड़ा कर दी थी। ठीक है, और कल्याण चंद तृतीय जो 1560 में ये जो राजधानी थी अल्मोड़ा, ये पूर्णतः बन के तैयार कब हो गई, 1560 में कल्याणचंद तृतीय के शासनकाल में। ठीक है, पर कल्याणचंद तृतीय के शासनकाल में अल्मोड़ा जो है, चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी, वो पूरी तरीके से बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था, गरुड़चंद। कौन था, गरुड़चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद भी इस वंश का जो था सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। और इसने जो है जब तिब्बती ने हमला किया था, तो उनके उनके हमलों से, उनके आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, कल्याण चंद चतुर के शासनकाल में 1730 से 1748 में कुमाऊं पर जब रोहिलों का आक्रमण हुआ, तो इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच गई। रोहिलों का जब आक्रमण हुआ, सभी को पता है कि युद्धों में, आक्रमणों में जो है जन मन धन तीनों की हानि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जब यहाँ पे रोहिलों का आक्रमण हुआ, तो इससे अपार क्षति हुई। और इसमें क्या करा, उस समय गढ़वाल के शासक जो थे प्रदीप शाह, उन्होंने कल्याणचंद चतुर की बहुत ज्यादा सहायता की। ठीक है, उन्होंने उस समय उनकी सहायता की। अब देखिए, राजा रूपचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया, और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो रुद्रचंद ने कौन सा, त्रिवेणिक धर्म निर्णय उषा रुद्र गोदया, और रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। उसके बाद देखिए, कल्याणचंद चतुर जो थे 1730 से 1748 जिस समय रोहिलों का आक्रमण हुआ, उनके समय ही एक प्रसिद्ध कवि शिव थे, जिन्होंने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। ठीक है, कल्याणचंद चतुर के शासनकाल में ही कोई एक प्रसिद्ध कवि थे शिव, जिसने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्याण चंद्रोदय के रचनाकार कौन है, तो शिव। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में जो भूमि निर्धारण था, भूमि निर्धारण का कार्य के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा भी शुरू हुई। तो इनके चंद शासकों के शासनकाल में ही क्या हुआ था, भूमि का निर्धारण कार्य, और जो भी ग्राम है, जो गांव है, गांव का एक मुखिया नियुक्त किया जाता था। तो ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा की शुरुआत भी चंद राजाओं के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, चंद राजाओं का जो राजचिन्ह था वो क्या था, गाय था। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था, गाय था, और जिसे सिक्के, मोहरों और झंडों पर अंकित किया जाता था। ठीक है, चंद राजाओं का राजचिन्ह गाय था, और जिसे सिक्कों पे, कॉइन पे, या फिर मोहरों पे या झंडों पे अंकित किया जाता था। ठीक है, मुगलकालीन इतिहास की पुस्तकों जहांगीरनामा और शाहनामा से ज्ञात होता है कि जो चंद राजा थे, उनका संबंध जो था वो मुगलकालीन राजाओं से भी था। ठीक है, मुगलकालीन इतिहास की जो पुस्तकें हैं आपकी, जहांगीरनामा और शाहनामा, इससे ज्ञात होता है कि जो चंद राजा थे, उनका जो संबंध था वो मुगल काल के राजाओं से था। ठीक है, इसी समय में कुमाऊनी भाषा में अनेक अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्दों का समावेश भी हुआ है। ठीक है, तो जब कुमाऊनी भाषा में जो ग्रंथ लिखे जा रहे होंगे, रचनाएं लिखी जा रही होंगी, तो उसमें अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्दों का समावेश भी मिलता है। उसके बाद 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग के एक साधारण युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। किसको, महेंद्र चंद को। कब, 1790 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर
आक्रमण कब किया था, तो 1790 में, और उस समय जो राजा थे वो कौन थे, महेंद्र चंद्र, और ये युद्ध कहाँ हुआ था, हवालाबाग। ठीक है, तो हवालाबाग के एक साधारण से युद्ध में गोरखाओं ने, नेपाल के गोरखाओं ने क्या करा था, महेंद्र चंद्र को पराजित कर दिया था, और इससे उन्होंने अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया, और रामगंगा के, अल्मोड़ा और रामगंगा के जो पूर्वी भाग थे वहां पे स्थित समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया, और यहाँ से जो है चंद्र वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ से क्या हो गया, चंद्र वंश का अंत हो गया। ठीक है, इतना देख लीजिए। चंद्रवंश के अंत के साथ ही अब हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं खगमरा किला, तो अल्मोड़ा में स्थित है। खगमरा किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में, और राजा भीष्म चंद्र ने 1555 से 60 ईस्वी में इसको बनवाया था। और खगमरा किला बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खगमरा किला कहाँ है, ये अल्मोड़ा में, और किसने बनवाया था, राजा भीष्म चंद्र ने। ये भी एक क्या था, चंद्र शासक था। ठीक है, उसके बाद आता है लाल मंडी किला, तो लाल मंडी किला भी कल्याण चंद ने बनवाया था 1563 ईस्वी में, इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। लाल मंडी किला किसने बनवाया था, कल्याण चंद, 1563 ईस्वी में, इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है मल्ला महल किला, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, और इसको किसने बनाया था, कल्याण चंद ने। उसके बाद है राजबुग्गा किला, ये कहा है, चंपावत में, और इसको राजा सोमचंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सोमचंद ने बनवाया था। ठीक है, सोमचंद ने बनवाया था। उसके बाद है नैथड़ा किला, तो देखिए चंद्रवंश को हम देख रहे थे, तो चंद्रवंश के कितने राजाओं ने, खगमरा किला चंद्रवंश के राजा ने बनवाया था, लालमंडी किला चंद्रवंश के राजा ने बनाया था, मल्ला महल किला चंद्रवंश के राजा ने बनाया था, और राजबुग्गा किला भी चंद्रवंश के राजा ने बनाया था। उसके बाद आते हैं हम नैथड़ा किला, नैथड़ा किला भी अल्मोड़ा के रामनगर गनाई मार्ग पर स्थित है, और इसे गोरखा कालीन माना जाता है। ठीक है, नैथड़ा किला कब का माना जाता है, गोरखा कालीन का। उसके बाद आता है सिरमोही किला, ये लोहा घाट में स्थित है, और लोहा घाट में कोई गाँव होगा सिरमोली, वहां पे ये सिरमोही किला स्थित है, और सिरमोली का ये प्राचीन किला है। ठीक है, उसके बाद आता है बाड़ासुर किला, बाड़ासुर किला भी बहुत बार क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बाड़ासुर नामक दैत्य ने बनवाया था इसको, और ये चंपावत में स्थित है, और ये कहाँ है, देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है बाड़ासुर किला। ठीक है, इसे बाड़ासुर नामक दैत्य ने बनवाया था। स्थानीय भाषा में इसे मरकोट भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, हम मरकोट भी कहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट वन इज गौला चौड़ किला। ठीक है, ये चंपावत में स्थित है, और इसे राजा गोरिल ने बनवाया था। ठीक है, कुछ ये प्रमुख किले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, खगमरा किला राजा भीष्म चंद ने बनवाया था, लालमंडी किला राजा कल्याण चंद ने बनवाया था, मल्ला महल किला कल्याण चंद ने ही बनवाया था, राजबुग्गा किला सोमचंद ने बनवाया था। ठीक है, नैथड़ा किला जो है गोरखा कालीन माना जाता है, और सिरमोही किला जो है लोहा घाट में स्थित है, बाड़ासुर किला जो है बाड़सुर ने बनवाया था, और गौला चौड़ किला राजा गोरिल ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गढ़वाल के परमार वंश को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।